हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2006 में आई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म स्नेक ऑन अ प्लेन की, जिसे डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने और इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग्स मिले हैं 5.4 आउट ऑफ 10। इस फिल्म की शुरुआत होती है सीन जोन्स नाम के एक लड़के के साथ जो प्लेन में रहता है। जोन्स रास्ते में अपनी बाइक रोक कर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तभी वहां अचानक से एक आदमी सामने आ जाता है जो बहुत जख्मी हालत में पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। जोन्स उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो जोन्स को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इतने में वहाँ कुछ गाड़ियाँ आने लगती हैं, जिनको आते देख जोन्स झाड़ियों में छुप जाता है और वहाँ से देखने लगता है। गाड़ियों के अंदर से कुछ आदमी बाहर आके ट्री पर लटके हुए आदमी के पास जाते हैं। उनमें से एक सफेद सूट पहने हुए आदमी एक बेसबॉल बैट से एक जख्मी इंसान को मार देता है। ये सब जोन्स अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से अपनी बाइक लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जोन्स को देख लेते हैं और उसकी तरफ गोली चलाने लगते हैं, पर जोन्स उनसे बचकर सही सलामत घर पहुंच जाता है। फिर टीवी के एक न्यूज चैनल पर इस खतरनाक खून के ऊपर एक न्यूज दिखाई जाती है, जहां से जोन्स को पता चलता है कि उस मरे हुए आदमी का नाम डेनियल हेस था, जो पेशे से एक वकील था, और उनको इस तरह बेरहमी से मारने वाले का नाम एडी किम है, जो एक खतरनाक ड्रग डीलर है। किम अब तक बहुत सारे गैर कानूनी काम कर चुका था, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने पर वो हर बार उनके हाथों से निकल जाता था। न्यूज देख जोन समझ जाता है कि किम अपने खिलाफ सबूत को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इस वक्त जोन्स उसके खिलाफ इकलौता गवाह है। इतने में जोन्स दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज सुन कर पे फोल पर नजर डालता है। दरवाजे के बाहर किम के भीजे हुए गुंडे चुपके से जोन्स के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखकर जोन्स छुप जाता है। उसी वक्त वहां नेविल फ्लिन नाम का एक FBI एजेंट जोन्स को उन लोगों से बचाकर अपने पुलिस हेडक्वार्टर पर लेकर जाता है। वहां जोन्स को पता चलता है कि असल में उसने जो कोल्ड ड्रिंक पिया था, उस बोतल से मिले हुए उंगलियों के निशान की मदद से फ्लिन और उसके साथ ही जॉन सैंडर्स ने उसे ढूंढ लिया। उसके बाद फ्लिन जोन्स को केम के खिलाफ गवाह देने के लिए मना लेता है और उसको सुरक्षित रखने का वादा करता है। उसी रात फ्लिन और सैंडर्स जोन्स को साथ लेकर लॉस एंजलिस के कोर्ट में गवाही देने के लिए लॉस एंजलिस की एक फ्लाइट पकड़ते हैं, और जोन्स को सेफ ले जाने के लिए फ्लिन फर्स्ट क्लास की सारी टिकट्स खरीद लेता है। इसी दौरान किम को अपनी खबरी से जोन्स को लॉस एंजलिस ले जाने के बारे में पता चल जाता है। वो जोन्स को मारने के लिए लॉस एंजलिस जाने वाली फ्लाइट में एक बॉक्स रखवा देता है, जिसमें बहुत सारे जहरीले सांप थे। दूसरी तरफ उस लॉस एंजलिस जाने वाले सब हाई पैसेंजर्स को इकोनॉमिक क्लास में सफर करना पड़ता है, क्योंकि फ्लिन सारी फर्स्ट क्लास टिकट खरीद चुके थे, जिस वजह से पैसेंजर्स थोड़ी नाराज हो जाते हैं। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट उन सबको कुछ कूपन और फूलों की माला पहनाकर फ्लाइट में स्वागत करने लगते हैं, जिनसे यात्रियों की नाराजगी दूर हो जाती है। लेकिन मैरी नाम की एक पैसेंजर जो अपने पालतू डॉग के साथ प्लेन में सफर करने जा रही थी, वो उस फूल मालाओं को नहीं पहनती। मूवी में कुछ पैसेंजर्स को बार बार दिखाया जाता है, जिनमें से एक मैरी, दूसरा एक कपल हनीमून के लिए लॉस एंजलिस जा रहे हैं, और एक औरत जो अपनी नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही है। दो छोटे बच्चे जो पहली बार अकेले प्लेन में सफर करने जा रहे थे, मिसेस बोमा नाम की एक औरत और एक केन नाम का एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वही प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद जर्किंग से कार्गो होल्ड पे सांपों से भरा बॉक्स खुल जाता है और सारे जहरीले सांप धीरे धीरे पूरे विमान में फैलना शुरू हो जाते हैं। सांप की पहले शिकार बनती है एक बिल्ली, जिसको कार्गो होल्ड पे एक पिंजरे में रखा गया था। प्लेन के एक बाथरूम के अंदर जब केन और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं, तो वहाँ पे सांप आके उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और उनको बुरी तरह से मार देता है। दूसरे बाथरूम को यूज करने के लिए जब एक और लड़का उसमें जाता है, तो उसको भी वहाँ पे सांप आकर मार देता है। उनमें से एक सांप प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक पैनल के अंदर घुस जाता है और वायर्स को काट देता है, जिस वजह से प्लेन के और इलेक्ट्रिकल चीजें खराब होने लग जाती हैं। प्लेन का एक पायलट जब सिस्टम को चेक करने के लिए बेसमेंट में जाता है, तब उनको वहाँ पे सांप काट लेता है। उस वक्त फ्लाइंग क्लेयर नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने केस के बारे में बताता है, तभी दूसरे पायलट रिक चीखते हुए क्लेयर को इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम में जाके चेक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पहले पायलट को गए हुए बहुत वक्त हो चुका था। क्लेयर रिक के ऑर्डर को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम को चेक करने के लिए जाती है। वहाँ उनकी लाश को देख कर क्लेयर घबरा के फ्लिन और जॉन को वहाँ आके देखने के लिए कहती है। प्लेन के दूसरे पायलट भी वहाँ उन दोनों के साथ पायलट की लाश की जाँच करते हैं, लेकिन उनमें से
कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि पायलट की मौत अचानक से कैसे हो गई। उसके बाद जब दूसरी तरफ प्लेन के इकोनॉमिक क्लास में सांप फैलने लगते हैं और पैसेंजर के पैर के नीचे से गुजरने लगते हैं, लेकिन उस वक्त सभी सो रहे थे। एक सांप मिसेस बोबा के कपड़ों के अंदर घुस जाता है, लेकिन मिसेस बोबा इसे गुदगुदी समझ कर नींद में ही मजे ले रही होती है। उसके बाद जब दूसरे पायलट प्लेन उड़ाने के लिए वापस जाते हैं, तभी वहाँ एक सांप चला जाता है जिसे मारने के चक्कर में वो पायलट गलती से ऑक्सीजन मास्क के सिस्टम को दबा देते हैं, जिसके लिए वहीं से सारे पैसेंजर के मास्क खुल जाते हैं और उनमें से सारे सांप इकोनॉमिक क्लास में घुस जाते हैं, जिसे देखकर सारे पैसेंजर डर कर चिल्लाने लगते हैं। सबके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब मिसेस बोवा की नींद टूट जाती है, तब उनके कपड़ों के अंदर घूम रहा सांप उनको काट लेता है। पैसेंजर्स की चिल्लाने की आवाज सुनकर फिन क्लास के नीचे उतर कर देखने जाता है। वहाँ इकोनॉमिक क्लास के सांप को देख कर फिन पैसेंजर्स की मदद के लिए अपने इलेक्ट्रिक शॉक के गन से सांप मारने लगता है। फिन के पीछे जॉन भी फर्स्ट क्लास से इकोनॉमिक क्लास में देखने के लिए आते हैं। तभी वहाँ एक जहरीला सांप उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किस्मत से फिन वहाँ पे आके अपने दोस्त को बचा लेते हैं। तब जॉन फिन को जल्दी से जल्दी इस बारे में FBI को इन्फॉर्म करने के लिए बोलते हैं। पैसेंजर्स को बचाने के लिए फिन जल्दी फ्लाइट अटेंडर फ्लॉयर को बुला के बचे हुए पैसेंजर्स को अलग कंपार्टमेंट में ले जाके उन सबको सारे बैग इकट्ठा करके एक दीवार बनाने के लिए कहते हैं, जिससे सारे पैसेंजर्स फॉलो करते हुए दूसरे कंपार्टमेंट में जाके जल्दी काम में लग जाते हैं। उसी बीच फ्लाइंग लॉस एंजलिस के मुख्यालय में FBI दोस्त हैरिस को फोन करके प्लेन की इस हालत के बारे में बताते हैं और जल्द से जल्द लॉस एंजलिस की एयरपोर्ट पे मेडिकल टीम को लाने के लिए कहते हैं। हैरिस जल्दी जाके लॉस एंजलिस की फेमस डॉक्टर स्टीवन प्राइस से जाके इस बारे में बात करते हैं, जो जानवरों के स्मगलिंग केस को जांच कर रहे थे। दूसरे कंपार्टमेंट में अचानक ग्रेस नाम के सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट को याद आता है कि दूसरे कंपार्टमेंट में वो औरत नहीं है जो अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ सफर कर रही थी। ग्रेस तुरंत ही बैग सटाकर सांपों से भरे कंपार्टमेंट में घुसने के लिए जाती है। वहां जाते ही उस औरत और उसके बच्चों को सांप से घिरा हुआ देखती है। जब ग्रेस बच्चे को बचाने के लिए जाती है, तब जहरीला सांप उसे काट लेता है। उसके बाद एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए जाती है, जो प्लेन में पहली बार सफर कर रहे थे। वहाँ वो बच्चे मिल तो जाते हैं, पर उनमें से एक को सांप ने काट लिया होता है। ये देखकर उन दो बच्चों को तुरंत सेफ अपार्टमेंट में वो ले जाती है। दूसरी तरफ हैरिस डॉक्टर स्टीवन एंटीडोज तैयार करके एयरपोर्ट पहुँच रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में डॉक्टर बताते हैं कि एंटीडोज कम है और हमें और ज्यादा एंटीडोज चाहिए, जो लॉस एंजलिस के उस सांप के जेलर के पास हो सकता है, जो बहुत खतरनाक और जहरीले सांप की स्मगलिंग करता है। लेकिन सबसे पहले इस प्लेन में सांप किसने रखा था, ये ढूंढना जरूरी है। उधर प्लेन में हर जगह सांप फैलने लगे थे, ऐसे ही सेफ कंपार्टमेंट में भी सांप घुसकर पैसेंजर्स को काटने लगते हैं। इतने में बचे हुए पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हैं, लेकिन प्लेन की राजी ना होने पर पैसेंजर्स गुस्सा हो जाते हैं। तब सबकी जान बचाने के लिए जॉन फर्स्ट क्लास में अपने पास सबको बुला लेता है, जहां सारे पैसेंजर्स जल्द से जल्द पहुँच कर एक लाइफ राफ्ट की मदद से फर्स्ट क्लास में जाने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं। वहाँ कॉकपिट में बैठे एक लौते पायलट रीक को भी एक बड़ा सा सांप काट लेता है, जिसको देखने के लिए क्लेयर वहाँ जाती है, तो क्लेयर बिना डरे सांप का सामना करके उस सांप को मार देती है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से हैरिस और डॉक्टर US स्मगलर को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन दोनों को आते देख स्मगलर वहाँ से भागने लगता है और एक दूसरे के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। उसी दौरान एक जहरीला सांप स्मगलर को काट लेता है और तभी हैरिस उसे एंटीडोज देने के बदले सच बताने के लिए कहता है। अपनी जान बचाने के लिए वो स्मगलर हैरिस को बता देता है कि किम ने हमें विमान में जहरीले सांपों से भरे बॉक्स को रखने के लिए कहा था और यात्रियों को दिए गए फूलों की माला पे एक तरह का केमिकल छिड़काया गया था, जिससे सांप और भी आक्रामक हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर स्मगलर को एंटीडोज देकर वहाँ से तुरंत हवाई अड्डे के लिए निकल जाते हैं और हैरिस हेडक्वार्टर में फोन करके गैंगस्टर किम के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए कहता है। इधर घायल हालत में भी कैप्टन रिक क्लेयर को इंस्ट्रक्शन देते हुए दोनों एक साथ प्लेन चलाने लगते हैं। तभी प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होने के कारण प्लेन का एयर कंडीशनर खराब हो जाता है, जिस वजह से पैसेंजर्स का दम घुटने लगता है। वहीं पायलट भी प्लेन की स्पीड को धीमा कर देते हैं ताकि प्लेन ब्लास्ट ना हो जाए। फिर प्लेन क्लेयर की मदद से एयर कंडीशनर को ठीक कर देते हैं। कुछ देर बाद कॉकपिट में सांपों के फिर से हमले की वजह से कैप्टन रिक मर जाते हैं। वहीं अब पायलट ना होने की वजह से प्लेन समुन्दर की तरफ अपने आप बढ़ने लगता है कि तभी पैसेंजर्स को बचाने के लिए क्लेयर उन सब के पास मदद मांगती है कि अगर कोई प्लेन चलाना
जानता हो तो सामने आए। तभी ट्रॉय नाम का एक लड़का जो अपनी 3GS नाम के बैंड के साथ प्लेन में सफर कर रहा था, वो मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो सिर्फ फीचो गेम में ही विमान उड़ाना जानता है। इस मुश्किल घड़ी में और कोई रास्ता नजर नहीं आने की वजह से क्लेयर ट्रॉय को प्लेन चलाने की इजाजत दे देती है, लेकिन उस वक्त प्लेन में इतने सांप होने की वजह से प्लेन सांपों को बाहर निकालने के लिए प्लेन की दो खिड़कियां तोड़ने की बात करती है। वो पैसेंजर्स को कॉपरेट करने के लिए अनुरोध करते हैं। इसे सुनते ही सारे पैसेंजर्स जल्द ही सीट बेल्ट पहनकर अपना सिर झुका देते हैं। उसके बाद फिन प्लेन की सारी खिड़की पे गोली मार के तोड़ देते हैं, जिस वजह से विमान के अंदर घूम रहे सारे सांप जोर जोर से हवा के झोंके के कारण खिड़की से बाहर जाने लगते हैं। जल्द ही ट्रॉय और फिन कॉकपिट में बैठ जाते हैं, जो अपनी जी जान से प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और प्लेन को समुन्द्र में गिरने से बचा लेते हैं। फिर थोड़ी देर में ट्रॉय और फ्लिन किसी भी तरह लॉस एंजलिस के रनवे पे प्लेन उतारने में सफल हो जाते हैं और यात्रियों की जान बचा लेते हैं। वहां पहुंचते ही डॉक्टर सब पैसेंजर्स को एंटीडोज देते हैं। जब आखिर में जोन्स और फ्लिन प्लेन से उतर जाते हैं, तब कहीं से एक सांप आके जोन्स के सीने में काट लेता है। फ्लिन जोन्स को बचाने के लिए सांप के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली जोन्स को लग जाती है और वो प्लेन के बाहर गिर जाता है। फ्लिन जोन्स के पास आते ही देखते हैं कि जोन्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लेन में बैठने से पहले ही जोन्स को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया गया था। उसके बाद एयरपोर्ट से जाते वक्त क्लेयर और फिन कभी बाहर मिलने की बात करते हैं। एट द लास्ट जोन्स के गवाही से गैंगस्टर किम पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और जोन्स की इस बहादुरी के इनाम के तौर पर फ्लिन जोन्स के साथ बाली घूमने के लिए जाते हैं, जहां वो जोन्स को सर्फिंग करना सिखाते हैं। इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।